हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चंडीगढ़ की लड़की। आज मेरे यूट्यूब चैनल को एक साल हो गया है पूरा, और जो बेसिक स्टेप्स होते हैं यूट्यूब के लिए वो मैंने 1000 सब्सक्राइबर से अबव और 4000 आवर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब मैंने सोचा है मैं अपनी वीडियो क्वालिटीज़ को थोड़ा इम्प्रूव करूँ, तो उसके लिए मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हैं। तो मैंने ख़रीदा है एक CPU, एक मॉनिटर, एक की लाइट, ताकि मैं और अच्छी वीडियोज़ ला पाऊँ, एडिट कर पाऊँ। और ये सब उन यूट्यूबर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है वीडियो, जो कि स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जो इम्प्रूव करना चाहते हैं। ये मैंने बहुत इकोनॉमिकल रेट में ख़रीदी हैं और अमेज़ॉन वगैरह से ही ख़रीदी हैं वेबसाइट से। तो आप मेरे साथ इन चीज़ों को अनबॉक्स कीजिए और देखिए कि मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट लिए हैं। तो आइए वीडियो को लास्ट तक देखिए, बने रहिए मेरे साथ। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा वीडियो पे। और जो भी प्रोडक्ट मैं अनबॉक्स करने वाली हूँ उसके आप लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जल्दी से अपने प्रोडक्ट्स को अनबॉक्स करते हैं। तो ये अनबॉक्स मैंने खोल लिया है, डब्बा अनबॉक्स हो गया है। और ये पहला प्रोडक्ट मेरा निकला है, मेरी की लाइट का डोम है, ये आप देख सकते हैं ये निकला है। और जो दूसरा प्रोडक्ट है वो मेरी अल्ट्रा वाइड मॉनिटर है, वो मैं आपको निकाल के एक बार दिखा देती हूँ। तो ये जो मेरा की लाइट का डोम है वो है गोडोक्स कंपनी का, और इसके जो प्राइसेस वगैरह है वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। अब जो बात करते हैं, ये मेरी LG की अल्ट्रा वाइड स्क्रीन जो मैंने मंगवाई है 29 इंचेस की, ये है। इसका प्राइस 29,000 इस पे लिखा हुआ है, और ये कितने की पड़ी ये आपको मैं बाद में बताती हूँ ओपन करने के बाद, तो बने रहिए। चलिए पहले से हम देख लेते हैं ये कैसी स्क्रीन आई है। चलिए अब मैं इसे कर रही हूँ ओपन, केयरफुली करना पड़ेगा क्योंकि स्क्रीन है। तो अब हम जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं इसके अंदर क्या क्या आया है। इसके अंदर आई है ये हमारी रॉड जो लग रही है, तो खोल के देख लेते हैं हम। यस, दिस इज रॉड, सिल्वर कलर की आई है, हैवी है ये। और नेक्स्ट है हमारा जो पार्ट है इसका, वो है इसको अटैच करने के लिए, इसकी नेक अटैच करने के लिए। और एक चीज़ है इसमें, ये हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशंस, इंस्ट्रक्शंस, ये हैं बोल्ट्स, ये है HDMI वायर, और क्या आया है इसमें, और है ये चार्जर। ये तो देखिए, ये है मेरी अल्ट्रा वाइड स्क्रीन जो कि मैंने एडिटिंग के पर्पज़ से ली है, ये बहुत अच्छी एडिटिंग में हेल्पफुल होती है। और इसका बेस्ट पार्ट क्या है कि ये है, देखिए आप यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा है इसका USB-C टाइप, ये मैंने इसीलिए ख़रीदा है क्योंकि एडिटिंग में बहुत हेल्पफुल होता है। चलिए मैं जल्दी से इसे कनेक्ट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये मुझे कितने का पड़ा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ये मुझे पड़ा है नियर अराउंड 20,000 का। तो ये स्क्रीन मैंने अटैच कर ली है, और इसके लिए सिर्फ क्या लगे 2 मिनट, और ये स्क्रू ड्राइवर सिर्फ बोल्ट कसने हैं और कुछ नहीं है, बहुत इजी काम है, कोई भी कर सकता है। वैसे ये इंस्ट्रक्शन दे रखी है अगर किसी को पढ़नी हो, लेकिन कुछ नहीं है, बस आपको अटैच करना है, 2 बोल्ट्स लगाने हैं और स्क्रीन आपकी रेडी है वर्क करने के लिए। तो अब स्क्रीन के बाद जो मेन चीज़ आती है वो हमारी की लाइट की आती है। की लाइट ये सब मैंने अलग अलग क्यों लिया है, एक साथ भी आ सकता है, एक साथ जो था वो मुझे कॉस्टली पड़ रहा था, तो मैंने अलग अलग इसको देखा और देखा कि काफ़ी डिफरेंस आ रहा है कॉस्टिंग में, तो मैंने ये अलग अलग लिया है। जो मेरा की स्टैंड है की लाइट के लिए, वो जो हमारा है डिजिटेक का है, जो मैंने ये बल्ब होल्डर्स लिए हैं ये मेरे हिफिन्स के हैं, और जो डोम है वो गोडोक्स का है। इनके रेट्स मैं एक साथ बता दूंगी लास्ट में। अब हम जल्दी से इसे ओपन करके देख लेते हैं और पूरा सेटअप मैं आपको दिखा देती हूँ। तो चलिए ये अनबॉक्स करने के लिए ये मैंने खोल ही लिया है, अब हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये इसका स्टैंड है पूरा। तो ये हमारी स्टैंड है, ये इसकी चार्जिंग करने के लिए, ये आप इस पर ऊपर अटैच कर देंगे, जो मैंने बताया आपको होल्डर लिए हैं मैंने। एक बार ये खोल लेते हैं फिर मैं सीधा आपको सेटअप करके ही दिखाऊंगी कि पूरा सेटअप कैसा दिखता है। तो चलिए अब आपने देख तो लिया ही है पूरा सेटअप, देखिए आप मुझे कैसा लगता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने पूरा कनेक्ट कर लिया अपने की लाइट को, आप देख सकते हैं डिफ्यूज़र भी आगे लगा दिया है, तो कैसे ये लाइट दे रहा है, मतलब ये एनहांस कर देता है आपके लुक्स को ना। देखिए कितनी अच्छी लाइट, सॉफ्ट लाइट आ रही है, ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कितनी ज़्यादा हाई है, बिल्कुल सॉफ्ट लाइट है और बहुत अच्छी लग रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मेरे सेटअप को कंप्लीट करता है वो है मेरा CPU।
तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे कितनी कॉस्टिंग पड़ी है इन प्रोडक्ट्स के लिए। तो जो हमारी एल जी की अल्ट्रा वाइड स्क्रीन है वो मुझे पड़ी है 19,300 की, जो कि काफ़ी रीज़नेबल है स्क्रीन, मैंने सर्च की थी, इतने की ही आती है। अच्छी स्क्रीन लेंगे तो इतने की ही आएगी, क्योंकि वो ब्रांडेड है तो इतना कॉस्ट पड़ेगा ही। सेकंड चीज़ जो हमने ली थी वो थी की लाइट का जो लंबा स्टैंड था उसको होल्ड करने के लिए, वो मेरा था 799 का, डिजिटेक का जो मैंने स्टैंड आपको अभी अनबॉक्सिंग किया था। और जो डोम है वो मेन हमारा जो डोम होता है वो कॉस्टली है, वो 1599 का है। और जो हिफिन्स के होल्डर्स थे वो नियर अराउंड 500 हैं, उसमें दो चीज़ें अटैच थी। तो ये काफ़ी रीज़नेबल हमारी परचेजिंग है अमेज़ॉन से। मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक्स छोड़ दूंगी, अगर कोई चेक करना चाहे तो कर सकता है। और मैं चाहूंगी जैसे मैं अपना सेटअप इम्प्रूव कर रही हूँ, ऐसे और जो नए यूट्यूबर्स हैं वो भी अपना सेटअप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, अगर नहीं किया है अभी तक तो कर लीजिए, और अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए जिससे कि मोटिवेशन बनता है और वीडियोज़ लाने का, हमें हम मोटिवेट रहते हैं और वीडियोस लाने के लिए। तो टिल देन बाय बाय।